और नेपाल में हुई बारिश ने पूर्वी चंपारण में तबाही मचाई है। तो वहीं मोतिहारी सदर प्रखंड के बहुअरी छिटकहिया पंचायत के साथ साथ कुछ पंचायत के गांव भी बाढ़ से प्रभावित हैं और मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार का अधिकारियों के साथ तुम तड़ाक वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पूर्व मंत्री और विधायक प्रमोद कुमार कर्मचारियों को जमकर फटकार लगा रहे हैं, तो तड़ाक करते नजर आ रहे हैं और डीएम सौरभ जोरवाल से शिकायत भी कर रहे हैं। प्रमोद कुमार यह साफ तौर पर बोलते हुए दिख रहे हैं कि अधिकारी के बाप के घर से राशन नहीं देता है, बल्कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि आपदा में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। उन्होंने डीएम को बाढ़ पीड़ितों के सामने ही फोन लगाया, सीओ और कर्मचारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का सुझाव दिया। प्रचार का कर दिया है कि विधायक रुकवा दिए हैं। हेलो, सबको प्रचारित कर दिया है, यहाँ 500 लोग घेर लिया कि विधायक जी काहे रुकवा दिए हैं, बताइए। हमारे बाप के घर से देना है कि हम रुकवा देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि पहला अधिकार पीड़िता का है, आई पीड़िता के साथ ही कर्मचारी दुहार चौके पर से चल जाता है और सीओ मैडम को उल्टा पुल्टा समझा रहा है, सारा पब्लिक सुन रहा है। क्या हमको सर माने जलील करने पर ही सीओ तुला हुआ है? नहीं, एकदम जलील करने पर तुला हुआ है। ये तो रिपोर्ट गांव में घुमा नहीं है, बच्चा डूबा है तब आया है, अगर ये नहीं डूबता तो ये भी नहीं आता। अतन सब वीडियो बना के डीएम साहब को भेजिए। सर अभी तक बाढ़ से सामग्री कोई सामान? अरे भेजिए, अभी कोई रिलीफ का सामान तो बाढ़ नहीं बताया गया है, तो आएगा कहाँ से रिलीफ का? अभी डीएम साहब बेचारे देने के तैयार हैं, ये दोनों इनके हाकिम लोग, रिपोर्टवा करेगा तब आएगा। लग रहा है कि इन लोग के बाबूजी के घरे से खर्चा हो जाएगा, इसीलिए ये लोग तेला बेला। डीएम साहब तो वेरी जेंटलमैन है, वो तो परसों से डीएम देने के लिए तैयार है, लेकिन इनका हाथ गोड़ है, कर्मचारी है तो महिला, इनको क्या बोल। सर सीओ मैडम बोली थी पिछले बार आई थी तो हम नाव की व्यवस्था करवा देंगे। हाँ, इन लोग कह रहा है पब्लिक की नाव नहीं मिलेगा, ये लोग चल जाए पैदल। सीओ मैडम पिछले बार बोली थी हम नाव की व्यवस्था कर, हमारे सामने बोली थी। हाँ, अभी तक कर्मचारी ड्यूटी करे तब तो, कर्मचारी आता नहीं है, एक और नाव नहीं है। डीएम साहब पिछला बार कर्मचारी बोली, सीओ बोली कर्मचारी को कि नाव दो, आई एक बार गांव में नहीं आया, नाव नहीं गया, एक भी नहीं नाव आया है। डीएम साहब बहुत बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। पब्लिक यहाँ पूरा आपके थानादार बेचारे बैठे टुकुर टुकुर ताक रहे, पूछ ना लीजिए थाना में कौन कौन गांव में पानी घुसा है, लखौरा बारवा कहाँ कहाँ गया है, छह पंचायत में धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। नहीं, सब ऐसे लापरवाह कर्मचारी पर जैसे बंजारी सुगौली में कार्रवाई की है, वैसा ही दोनों आदमी पर कार्रवाई कीजिए। नहीं, एकदम कार्रवाई कीजिए, पब्लिक का डिमांड है। और नेपाल में हुई बारिश ने पूर्वी चंपारण में तबाही मचाई है। तो वहीं मोतिहारी सदर प्रखंड के बहुअरी छिटकहिया पंचायत के साथ साथ कुछ पंचायत के गांव भी बाढ़ से प्रभावित हैं और मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार का अधिकारियों के साथ तुम तड़ाक वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पूर्व मंत्री और विधायक प्रमोद कुमार कर्मचारियों को जमकर फटकार लगा रहे हैं, तो तड़ाक करते नजर आ रहे हैं और डीएम सौरभ जोरवाल से शिकायत भी कर रहे हैं। प्रमोद कुमार यह साफ तौर पर बोलते हुए दिख रहे हैं कि अधिकारी के बाप के घर से राशन नहीं देता है, बल्कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि आपदा में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। उन्होंने डीएम को बाढ़ पीड़ितों के सामने ही फोन लगाया, सीओ और कर्मचारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का सुझाव दिया। प्रचार का कर दिया है कि विधायक रुकवा दिए हैं। हेलो, सबको प्रचारित कर दिया है, यहाँ 500 लोग घेर लिया कि विधायक जी काहे रुकवा दिए हैं, बताइए। हमारे बाप के घर से देना है कि हम रुकवा देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि पहला अधिकार पीड़िता का है, आई पीड़िता के साथ ही कर्मचारी दुहार चौके पर से चल जाता है और सीओ मैडम को उल्टा पुल्टा समझा रहा है, सारा पब्लिक सुन रहा है। क्या हमको सर माने जलील करने पर ही सीओ तुला हुआ है? नहीं, एकदम जलील करने पर तुला हुआ है। ये तो रिपोर्ट गांव में घुमा नहीं है, बच्चा डूबा है तब आया है, अगर ये नहीं डूबता तो ये भी नहीं आता। अतन सब वीडियो बना के डीएम साहब को भेजिए। सर अभी तक बाढ़ से सामग्री कोई सामान? अरे भेजिए, अभी कोई रिलीफ का सामान तो बाढ़ नहीं बताया गया है, तो आएगा कहाँ से रिलीफ का? अभी डीएम साहब बेचारे देने के तैयार हैं, ये दोनों इनके हाकिम लोग,
रिपोर्टवा करेगा तब न आएगा। लग रहा है कि इन लोग के बाबूजी के घरे से खर्चा हो जाएगा, इसीलिए ये लोग तेला बेला। डीएम साहब तो वेरी जेंटलमैन है, वो तो परसों से डीएम देने के लिए तैयार है, लेकिन इनका हाथ गोर है, कर्मचारी है तो महिला, इनको क्या बोल रहे। सीओ मैडम बोली थी पिछले बार आई थी तो हम नाव की व्यवस्था करवा देंगे। हाँ, इन लोग कह रहा है पब्लिक की नाव नहीं मिलेगा, ये लोग चल जाए पैदल। सीओ मैडम पिछले बार बोली थी हम नाव की व्यवस्था करवा देंगे, के हमारे सामने बोली थी। अभी तक कर्मचारी ड्यूटी करे तब तो, कर्मचारी आता नहीं है, एक और नाव नहीं आया। डीएम साहब पिछला बार कर्मचारी बोली, सीओ बोली कर्मचारी को कि नाव दो, आई एक बार गांव में नहीं आया, नाव नहीं गया, एक भी नहीं नाव आया है। डीएम साहब ये बहुत बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। पब्लिक यहाँ पूरा आपके थानादार बेचारे बैठे हुए टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। पूछ ना लीजिए थाना में कौन कौन गांव में पानी घुसा है, लखौरा बारवा कहाँ कहाँ गया है, छह पंचायत में धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। नहीं सब ऐसे लापरवाह कर्मचारी पर जैसे बंजारी सुगौली में कार्रवाई की है, वैसा ही दोनों आदमी पर कार्रवाई कीजिए। नहीं एकदम कार्रवाई कीजिए, पब्लिक का डिमांड है। और नेपाल में हुई बारिश ने पूर्वी चंपारण में तबाही मचाई है। तो वहीं मोतिहारी सदर प्रखंड के बहुअरी छिटकहिया पंचायत के साथ साथ कुछ पंचायत के गांव भी बाढ़ से प्रभावित हैं। और मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार का अधिकारियों के साथ तुम तड़ाक वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पूर्व मंत्री और विधायक प्रमोद कुमार कर्मचारियों को जमकर फटकार लगा रहे हैं, तू तड़ाक करते नजर आ रहे हैं और डीएम सौरभ जोरवाल से शिकायत भी कर रहे हैं। प्रमोद कुमार यह साफ तौर पर बोलते हुए दिख रहे हैं कि अधिकारी के बाप के घर से राशन नहीं देता है, बल्कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि आपदा में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। उन्होंने डीएम को बाढ़ पीड़ितों के सामने ही फोन लगाया, सीओ और कर्मचारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का सुझाव दिया। प्रचार का कर दिया है कि विधायक रुकवा दिए हैं। हेलो, ये सबको प्रचारित कर दिया है, यहाँ 500 लोग घेर लिया कि विधायक जी काहे रुकवा दिए है, बताइए। हमारे बाप के घर से देना है कि हम रुकवा देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि पहला अधिकार पीड़िता का है, आई पीड़िता के साथ ही कर्मचारी दुहार चौके पर से चल जाता है, और सीओ मैडम को उल्टा पुल्टा समझा रहा है, सारा पब्लिक सुन रहा है। क्या हमको सर माने जलील करने पर ही सीओ तुला हुआ है, नहीं एकदम जलील करने पर तुला हुआ है। ये तो रिपोर्ट गांव में घुमा नहीं है, बच्चा डूबा है तब आया है, अगर ये नहीं डूबता तो ये भी नहीं आता। अतन सब वीडियो बना के डीएम साहब को भेजिए। सर अभी तक बाढ़ से सामग्री कोई सामान, अरे भेजिए अभी कोई रिलीफ का सामान, तो बाढ़ है नहीं बताया गया है, तो आएगा कहाँ से रिलीफ का। अभी डीएम साहब बेचारे देने के तैयार है, दोनों इनके हाकिम लोग, रिपोर्टवा करेगा तब न आएगा। लग रहा है कि इन लोग के बाबूजी के घरे से खर्चा हो जाएगा, इसीलिए ये लोग तेला बेला। डीएम साहब तो वेरी जेंटलमैन है, वो तो परसों से डीएम देने के लिए तैयार है, लेकिन इनका हाथ गोर है, कर्मचारी है तो महिला, इनको क्या बोल रहे। सर सीओ मैडम बोली थी पिछले बार आई थी तो हम नाव की व्यवस्था करवा देंगे। हाँ, इन लोग कह रहा है पब्लिक की नाव नहीं मिलेगा, ये लोग चल जाए पैदल। सीओ मैडम पिछले बार बोली थी हम नाव की व्यवस्था करवा देंगे, हमारे सामने बोली थी। हाँ, अभी तक कर्मचारी ड्यूटी करे तब तो, कर्मचारी आता नहीं है, एक और नाव नहीं आया। डीएम साहब पिछला बार कर्मचारी बोली, सीओ बोली कर्मचारी को कि नाव दो, आई एक बार गांव में नहीं आया, नाव नहीं गया, एक भी नहीं नाव आया है। डीएम साहब ये बहुत बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। पब्लिक यहाँ पूरा आपके थानादार बेचारे बैठे हुए टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। पूछ ना लीजिए थाना में कौन कौन गांव में पानी घुसा है, लखौरा बारवा कहाँ कहाँ गया है, छह पंचायत में धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। नहीं सब ऐसे लापरवाह कर्मचारी पर जैसे बंजारी सुगौली में कार्रवाई की है, वैसा ही दोनों आदमी पर कार्रवाई कीजिए। नहीं एकदम कार्रवाई कीजिए, पब्लिक का डिमांड है।